हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम और जिसका नाम है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। इसका मतलब होता है एक्ट डज नॉट मेक एनी पर्सन गिल्टी अनलेस देयर इज नो गिल्टी माइंड। यानी जब तक व्यक्ति का गिल्टी माइंड नहीं होता है, जब तक व्यक्ति के मन में दुराशय नहीं होता है, बुरा आशय नहीं होता है, और अगर वो कार्य करता है तो वो कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि वो बुरे आशय के साथ न किया जाए। तो ये मैक्सिम कहती है कि एक्ट खुद को किसी चीज को क्राइम नहीं बनाता है, यानी कुछ कर देना ही क्राइम नहीं होता है। जो व्यक्ति करता है वो गिल्टी माइंड से यदि करेगा तब जाके वो अपराध बनेगा। तो ये क्रिमिनल कानून की एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम है और इस मैक्सिम को आज हम समझने का प्रयास करते हैं। सामान्य और साधारण शब्दों में ये मैक्सिम क्या कहती है, इसके कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे और इसका एक इंपॉर्टेंट केस लॉ भी देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। द मैक्सिम नेम इज एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। तो ये जो मैक्सिम है इसका शाब्दिक अर्थ है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, कोई गलत कार्य करता है, गैर कानूनी काम करता है, अनलॉफुल काम करता है, इलीगल काम करता है, लेकिन वो काम करना अपने आप में उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि वो काम करते समय उसका गिल्टी माइंड यानी उसकी मनस्थिति भी दोषी हो। दोषी मनस्थिति जब तक नहीं पाई जाएगी तब तक सिर्फ अकेले काम से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, यानी उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी का निर्माण नहीं होगा। तो ये जो लीगल मैक्सिम है ये एक लीगल मैक्सिम, और आप सभी को पता है कानून में लीगल मैक्सिम्स का एक अपना इंपॉर्टेंस है। एक्ट डजंट मेक एनीवन गिल्टी, यानी सिर्फ काम करने से कोई व्यक्ति गिल्टी नहीं हो जाता है, काम आपराधिक मानसिक दशा से करने पर ही व्यक्ति को गिल्टी माना जाएगा, ऐसा यह मैक्सिम कहती है। तो क्रिमिनल लॉ में दो महत्वपूर्ण नियम होते हैं, एक होता है एक्टस रियस और एक होता है मेंस रिया। एक्टस रियस मतलब अनलॉफुल एक्ट, यानी अनलॉफुल एक्ट करना मतलब गलत काम करना, और मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन, यानी दोषपूर्ण मनस्थिति। दोषपूर्ण मनस्थिति को हम बुरा आशय भी कह सकते हैं कि बुरे आशय के साथ, दुराशय के साथ यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, कोई एक्ट करता है, तब जाके वो अपराध बनेगा। इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, अनलॉफुल एक्ट भी होना चाहिए और दोषी मानसिक स्थिति भी होना चाहिए, यही यह मैक्सिम कह रही है। अब इसका मीनिंग हम और साधारण भाषा में समझे तो इसका अर्थ यह है कि एक्ट विद गिल्टी माइंड, यानी जो व्यक्ति काम करता है वो दोषी मानसिक स्थिति से करेगा, दोषी मन स्थिति से करेगा, तब जाके ही वह कार्य अपराध की श्रेणी में आएगा। तो मेंटल स्टेटस आल्सो, यानी सिर्फ फिजिकल एक्ट को ही नहीं देखा जाएगा, मेंटल स्टेटस को भी देखा जाएगा, उसकी मानसिक दशा को भी देखा जाएगा। और इस सिद्धांत को भलीभांति रूप से यदि आपको समझना हो तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 14 का मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 14 में इस मानसिक दशा को पूरी तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट में रखा गया है। तो ये होता है इसका साधारण अर्थ। अब इसके एग्जांपल्स देखें, मान लीजिए एक बच्चा है, एक बच्चा कहीं पर जाता है और वहां से बिना कहे, बिना किसी से पूछे, बिना सहमति के वो बच्चा दूसरे का सामान उठा के लिया आता है, तो यहाँ पर उसने अनलॉफुल एक्ट तो किया है, इन्हें चोरी तो मानी जाएगी, लेकिन उसकी मानसिक दशा ही नहीं थी। क्या बच्चे में गिल्टी इंटेंशन था, क्या उसने जानबूझ के किया, क्या उसे पता है कि कानून क्या होता है, सामान उठा ले जाना चोरी होता है, ये सब बातें नहीं है, तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। और इसी वजह से आईपीसी की धारा 82 और 83 में इस प्रिंसिपल को हम समझ सकते हैं। तो यदि चाइल्ड टेक्स अवे दी थिंग्स फ्रॉम एनी शॉप देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड थेफ्ट अनलेस हिज गिल्टी माइंड विल नॉट बी प्रूव। तो एक्ट भले ही उसने किया है लेकिन गिल्टी माइंड होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बच्चे की चूंकि इमेच्योर स्टेटस है तो यहां पर गिल्टी माइंड न होने की वजह से बच्चे का कार्य अपराध नहीं भी माना जा सकता है। अनलॉफुल माइंड, अनसाउंड माइंड, एक अनसाउंड माइंड एक विकृत चित्त व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, उस पागल व्यक्ति ने मान लीजिए इंजुरी पहुंचा दी, किसी व्यक्ति को पत्थर से मार दिया, तो यहां पर पत्थर से मार देना ये जो अनलॉफुल एक्ट है, किसी को मारना अनलॉफुल एक्ट है, लेकिन चूंकि अनसाउंड माइंड था, उसके माइंड पर उसका कंट्रोल ही नहीं था, वो व्यक्ति पागल था, तो यहां पर एक्टस रियस तो है लेकिन मेंस रिया का एब्सेंस है। तो मेंस रिया का एब्सेंस है इसलिए आईपीसी की धारा 84 आप लोगों ने पढ़ी होगी, धारा 84 में क्लियर कट बताया गया है कि अनसाउंड माइंड कार्य करते समय यदि नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट समझने में अक्षम है, इफ इज अनेबल टू नो द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट देन नो क्रिमिनल लायबिलिटी विल बी क्रिएटेड। सिमिलरली एक ड्रंक पर्सन है, शराब पिया हुआ व्यक्ति है, मत्त दशा में शराब उसको किसी और ने पिला दी है बिना उसकी सहमति के, और उस मत्तता में यानी उस
ड्रंकन पोजीशन में यदि वो कोई अपराध कर देता है तो वो एक्टस रियस तो हो सकता है लेकिन मेंस रिया नहीं होने की वजह से इसको भी सजा से मुक्ति दी जा सकती है। 85 आईपीसी 85 आप सभी को याद होगा। तो दीज आर दी फ्यू इलस्ट्रेशंस जो इस मैगजीन्स के बारे में है। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। एक्ट डज नॉट मेक एनी पर्सन अलोन गिल्टी बट मेंटल स्टेटस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। इसका एक केस समझते हैं, पी बालकृष्णा पिल्लई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो पी बालकृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2003 का केस है और इस केस में कोर्ट द्वारा वर्डिक्ट देते समय ये कहा गया कि एक पर्सन हैज ब्रोकन द लॉ, यानी किसी व्यक्ति ने कानून तोड़ा है, तो कानून तोड़ा है तो उसकी दोषी मानसिक स्थिति को भी देखना पड़ेगा, सिर्फ कानून को तोड़ने से सजा दे जाना गलत हो जाएगा। और इस प्रिंसिपल का भी कोर्ट ने कोर्ट किया था इस प्रिंसिपल को कि एक्टस नॉन फेसिट रियम, यानी सिर्फ एक्ट किसी व्यक्ति को, अकेला एक्ट ही किसी व्यक्ति को क्रिमिनल लायबल नहीं बनाता है, इट इज नॉट सफिशिएंट। साथ ही साथ मेंटल गिल्टी मेंटल इंटेंशन शुड बी देयर, मतलब मेंस रिया का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये है मित्रों आज की मैगजीन। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।